हम लोग एक मंत्र से सब परिचित हैं और वो हमारे जीवन के लिए आवश्यक भी है। हमारे यहां कहा गया है तन्मे मनः शिव संकल्पास्तु, यानी मेरा मन उत्तम संकल्प वाला हो, इसी भाव से हमें आगे बढ़ना है। देश के लक्ष्य, देश के संकल्प, देश की नीतियां स्पष्ट हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हो या पॉलिसी रिफॉर्म को लेकर भारत के इरादे पक्के हैं। महामारी के रूप में जो भी स्प्रिट लेकर आया था, अब हम उसे आगे निकल रहे हैं। हम नए विश्वास के साथ हम सभी को पहले से अधिक मेहनत करनी है। विश्वास और आत्मविश्वास भरे इस माहौल के साथ ही हमें अब नए दशक में आगे चलना है। वर्ष 2022 में देश अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष का पर्व मनाएगा। आजादी के आंदोलन से लेकर आज तक फिक्की की भी देश की विकास यात्रा में बड़ी भूमिका रही। फिक्की के भी 100 वर्ष बहुत दूर नहीं है। इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर आपको राष्ट्र निर्माण की अपनी भूमिका को और विस्तार देना है और व्यापक बनाना है। आपके प्रयास आत्मनिर्भर भारत के अभियान को और गति देंगे। आपके प्रयास लोकल के लिए वोकल के मंत्र को पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। आखिर में मैं डॉक्टर संगीता रेड्डी जी को प्रेसिडेंट के रूप में एक बेहतरीन कार्यकाल के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही भाई उदर शंकर जी को भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सबके बीच आने का मौका मिला, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।